Let's find job. आपकी अपने YouTube चैनल Let's Find Job में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम BCom तृतीय वर्ष के जैसे कि एग्जामिनेशन चालू है तो उसमें अकाउंट ग्रुप टू का गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज कस्टम ड्यूटी वाला पेपर का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा गया है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों इसमें पृष्ठ क्रमांक दो है, आपका पृष्ठ क्रमांक दो है GST की व्याख्या कीजिए। तो ये है आपका सब फुल सॉल्यूशन, इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। GST की व्याख्या करना है तो इसका ये है, आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपके इसको। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक तीन है आपका दोस्तों, मिश्रित प्रदाय की व्याख्या कीजिए। मिश्रित प्रदाय की व्याख्या करना है तो इसका भी अवफार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये है। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे लिखना है ये, तो इसका भी अवफार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक तीन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक चार है दोस्तों आपका, कंपोजिशन स्कीम की मुख्य बातें लिखिए। तो आपको कंपोजिशन स्कीम की मुख्य बातें लिखना है तो इसका फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है। इसके बाद आपको उसके आगे ये लिखना है तो इसका भी आप फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है। तो उसका भी आप फार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक पाँच है दोस्तों, एकीकृत माल तथा सेवा कर की विशेषताएं लिखनी है आपको। एकीकृत माल एवं सेवा कर की विशेषताएं आपको लिखनी है तो इसका फार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये है। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है। तो दोस्तों आप इसका पहले फार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसके आगे आपको ये लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपको सीएंगे ये लिखना है तो सभी आप फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में फिर आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक पाँच भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक छः है, सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएँ लिखिए। तो ये है सीमा शुल्क की आपको प्रकृति एवं विशेषताएँ लिखनी है, ये है इसका फार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों यहाँ से। इसके बाद आपको ये लिखना है तो इसका भी आप फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है तो इसका भी आप फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है तो इसका भी आप फार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं तो आप इसका लिखते चलिए दोस्तों आराम से। आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप वीडियो को पुश करके आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर चौथा पॉइंट सीमा शुल्क की दर है तो इसको भी आप लिखिए दोस्तों। इसके बाद आपको इसके आगे ये लिखना है और ये पाँचवा पॉइंट अपना सीमा शुल्क के उद्देश्य, फिर छठा पॉइंट है अपना सीमा शुल्क का प्रशासन तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे मैं जो भी सॉल्यूशन डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उसका उस विषय का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है जो कि दोस्तों जिनके पास अभी गाइड नहीं, लॉकडाउन के कारण ना उनके पास गाइड है ना उनके पास कुछ पढ़ने के लिए है। तो दोस्तों वो किस प्रकार से अपना पेपर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे दोस्तों और कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का उद्देश्य ये है कि वो लोग भी एक बेहतरीन अच्छे मार्क्स ला सकें, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक सात, GST के गुणों दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये है
इसका पार्टीशन और डिवीजन जीएसटी के हित लाभों का निम्नानुसार सर्वबद्ध किया गया है। तो यह है पहले पॉइंट वाइज पॉइंट व्यवसाय और उपयोगकर्ता के लिए, और ये है कर दरों और ढांचों के एक रूपता के लिए। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप दोस्तों सिर्फ पार्टीशन ले लीजिए। इसके बाद आपको उसके यहाँ ये लिखना है, तो उसका भी आप पार्टीशन ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है, इसका भी आप पार्टीशन ले लीजिए। इसके बाद आपको ये लिखना है दोस्तों, इसका भी आप पार्टीशन ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, तो इसका भी आप पार्टीशन ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, तो इसका भी आप पार्टीशन ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है चौथा, जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया है, 5 मई वित्त वर्ष के बीच जीएसटी लागू हुआ, तो ये भी आप इसका पार्टीशन ले लीजिए दोस्तों। ये छठवां पॉइंट है ये आपका, तो इसका भी पार्टीशन ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, जैसे कि जीएसटी के अंतर्गत मांग और सेवाओं की पूर्ति के समय निर्धारण संबंधी प्रावधान। तो पहले आपको ये लिखना है, देखिए जो उत्तर दिख रहा है आपको ये 3 लाइन का है, ये इतना लिख रहा है। ये दोस्तों इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों कि जो आपको ये लिंक दी गई है, आप देखिए ये लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये लिंक आपको मिलेगी। इसी प्रकार की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उसको क्लिक करके उसमें आपके लिए बहुत बड़ी पीडीएफ खुल जाएगी। ये सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं है दोस्तों, ये इस आंसर की पीडीएफ है, इस आंसर की इसमें पीडीएफ दी गई है। तो उसमें बहुत सारे पेज हैं जिस कारण मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पाया। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक को क्लिक करना है, आपके सामने एक बहुत बड़ी पीडीएफ खुलेगी इस प्रश्न क्रमांक 8 में के उत्तर की। उसमें आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे, बहुत सारा उसमें आंसर दिखाया, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, जितने उसमें शब्द सीमा है दी हो तो आप उसके अनुसार अपना लिख लीजिएगा दोस्तों। तो आप आई होप आप इसे समझ सकते होंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। ओके, तो पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आपको ये लिखना है प्रश्न क्रमांक 8, फिर आपको लिंक में क्लिक करके जो उसमें बहुत सारे खुल जाएंगे पेजेस, तो आपको जितना उसमें लिखना है, आपको जितना अच्छा लगे तो मैं लिख लीजिएगा शब्द सीमा के अनुसार, उसमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त माल की एक सूची प्रस्तुत कीजिए। तो उसका पार्टीशन लीजिए, ये है 9वें का। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। अब दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैंने आपको भी बताया नहीं है, मैं अभी प्रश्न क्रमांक 11 बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, सीमा शुल्क का महत्व एवं दोष लिखिए। तो इसका पार्टीशन छोड़ लीजिए, उद्देश्य और महत्व लिखना है, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसका पार्टीशन छोड़ लीजिए। चलिए इसके बाद आपको ये लिखना है, इसका भी आप पार्टीशन छोड़ लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, तो इसका भी आप पार्टीशन छोड़ लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप लिखते चलिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बाद आपको ये लिखना है दोस्तों, इसके बाद आपको ये लिखना है दोस्तों। अब इसमें दोष है, तो इसमें दोष भी आप देखिए, तो दोष भी लिखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट है, काले धन में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है अच्छी वस्तुओं का अभाव। तीसरा पॉइंट है महंगाई का बढ़ावा। चौथा पॉइंट है जटिल प्रक्रिया, तो फास्टिंग छोड़ लीजिए। चलिए पाँचवा है भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, मैं आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो लाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगी और आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों आप सरप्राइज़ क्या है मैं आपको कह रहा बताऊँगा वीडियो में। तो दोस्तों ये सरप्राइज़ ये कि जो उसकी पिछली वीडियो डाली है उसमें मैंने गिव अवे किया है, जो पीडीएफ होती है, जो सॉल्यूशन पीडीएफ जो आप देखते हैं हम लोग आपके लिए, तब पहले सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहले उसको पीडीएफ के रूप में बनाते हैं दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन पीडीएफ होती है, मैं सबको नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने एक गिव अवे किया है, उसमें आपको सब कुछ सॉल्यूशन पीडीएफ मिल सकती है, उसको आपको ज्वाइन करना है। आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उस वीडियो की, पहले आप उस वीडियो को देखें समझें किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। अगर आप उसमें विनर बन जाते हैं दोस्तों तो आपको ऑल सब्जेक्ट, आप जिस क्लास के हैं या बीएससी के हैं, बीकॉम के, जिस क्लास के भी हैं, आपको
उस सब्जेक्ट के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे जो अपने चैनल पर डालते हैं दोस्तों। तो पीडीएफ आपको मेल या व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए जाएंगे, तो इसलिए आप पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों कि अगर आपकी किस्मत हुई तो आप उसमें विनर बन सकते हैं और आपको पीडीएफ सॉल्यूशन सभी पैसों की मिल सकती है दोस्तों। धन्यवाद।